वेलकम टू F1N क्लासेस 8 क्लास। आई होप यू ऑल आर गुड। बेटा देखिए, फर्स्ट चैप्टर के हमने दो पार्ट्स कर लिए थे, अब हम थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। तो अब ऑथर हमें बता रहे हैं कि जब उन्होंने लेटर पढ़ लिया तो उसको दोबारा उन्होंने फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद वापस उसके एनवेलप में उसको रख दिया बहुत केयरफुली। कह रहे हैं कि मैं सारी रात जागता रहा और सुबह होते ही मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिटपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। कह रहे हैं कि फिर मैं ब्रिटपोर्ट गया, यानी वहाँ पर एड्रेस लिखा होता लेटर पर ब्रिटपोर्ट का, तो ब्रिटपोर्ट पहुँचा जो कि मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। तो मैंने उस लड़के से पूछा जो अपने डॉग को यानी अपने कुत्ते को टहला रहा था कॉपर बीचेस पर, कॉपर बीचेस के पास। तो मैंने उससे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ हैं। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। तो कह रहे हैं कि उसने मुझे इशारे से बता दिया, ठीक है, कि मतलब यहीं पर ही है। कह रहे हैं कि हाउस नंबर 12 जो है, यानी जो कॉनी मैकफर्सन का घर था, कह रहे हैं वो कुछ भी नहीं था सिवाय एक जले हुए शेल की तरीके से, यानी पूरा जला हुआ खोखला सा एक घर था। उसकी छत जो है वो नीचे गिरी हुई थी, उसकी विंडोज पर बोर्ड लगे हुए थे, मतलब बोर्ड यानी लकड़ी के फट्टे लगा रखे थे। आई नॉक्ड एट द डोर एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन। तो कह रहे हैं कि मैंने उस घर के मतलब कॉनी मैकफर्सन के घर के बराबर वाले दरवाजे पर नॉक किया और पूछा कि क्या कोई मिसेस मैकफर्सन के बारे में जानता है, वेयर अबाउट्स मतलब उनके बारे में जानता है कुछ। ओ यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल, अ लवली ओल्ड लेडी। ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। तो अब जो कह रहे हैं कि मतलब जब मैं नॉक किया तो वहाँ से एक आदमी निकल कर आया बाहर, उसने चप्पल पहन रखी थी और उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ उनके बारे में, वो उनको काफ़ी अच्छी तरह जानता था। उसने कहा कि वो बहुत अच्छी और बूढ़ी औरत थी, उसने मुझे बताया, लेकिन वो थोड़ी कन्फ्यूज रहती थी, मडल हेडेड मतलब कन्फ्यूज रहती थी। क्यों कन्फ्यूज रहती थी? क्योंकि उनकी एज जो थी वो इतनी ज़्यादा थी कि अब उनकी उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि हाँ वो उस तरीके की हरकतें करेंगी, हरकतें से मतलब यानी वो थोड़ी कन्फ्यूज रहेंगी, कुछ चीज़ें भूल जाएंगी इस तरीके की, ठीक है, वॉजेंट शी। तो उसने पूछा कि क्या उनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, यानी उस आदमी ने पूछा। 101 ईयर्स ओल्ड, तो उस आदमी ने बताया कि वो कितने साल की है, 101 साल की। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। तो कह रहे हैं कि वो अपने घर में थी जब उनके घर में आग लग गई। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। तो कह रहे हैं किसी को भी नहीं मालूम कि उनके घर में आग कैसे लगी, लेकिन शायद वो कैंडल्स की वजह से लगी होगी। शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। तो उस आदमी ने बताया कि वो हमेशा अपने घर में कैंडल्स यूज़ करती थी लाइट की जगह पर, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि लाइट बहुत महंगी है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत महंगी है, तो वो कैंडल्स का इस्तेमाल करती थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। तो कह रहे हैं कि फायरमैन ने उनको टाइम पर बाहर निकाल लिया, ठीक है, अब वो एक नर्सिंग होम में है, और उस आदमी ने बताया कि वो नर्सिंग होम कौन सा है, बर्लिंगटन हाउस, वो कहाँ पर है, वो डॉर्चेस्टर में है जो कि टाउन के दूसरी साइड पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस फिर हैं, ठीक है। व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिटपोर्ट, के ऑथर ब्रिटपोर्ट क्यों गया था? तो ऑथर क्यों गया था, ताकि वो सोच रहा था कि वो उनका लेटर उनको वापस पहुँचा देगा, ठीक है। सेकंड है, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ, अब कितने साल की मिसेस मैकफर्सन, बताया भी उन्होंने 101 ईयर्स, वेयर वॉज शी, अब वो कहाँ थी, तो अब वो बता रहे हैं कि वो एक नर्सिंग होम में, ठीक है। अभी इसके आंसर्स मैंने लिख रखे हैं, अभी हम देखते हैं चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, देयर वाज पेपर चेन्स अप इन द हॉल वे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर बाय अ लोप साइडेड एंगल ऑन टॉप। तो कह रहे हैं कि मुझे बहुत आसानी से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मिल गया था, वहाँ पर जो है मतलब नर्सिंग होम की स्टार्टिंग में शुरू से ही जो है पेपर चेन्स लगी हुई थी पूरे हॉल तक जाती हुई, और बाकायदा एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री था जो सजा हुआ था, लाइटेड था, पूरा चमक रहा था वो, और एक साइड पर हल्का सा झुका हुआ था टॉप पर से। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड ऑफ कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा कि मैं मिसेज मैकफर्सन का दोस्त हूँ, उनसे मिलने आया हूँ, उनको क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। तो मैं देख सकता था कि जहाँ पर डाइनिंग रूम में, यानी डाइनिंग रूम में उन्होंने ऐसे झाँक कर देखा, तो वहाँ पर सभी ने जो है क्या पहन रखा है, पेपर हैट पहन रखे हैं और सब लोग गा रहे हैं, क्योंकि क्या है, क्रिसमस चल रहा है ना, क्रिसमस के नेक्स्ट डे तो आए वो, ये आई मीन क्रिसमस वाले दिन आए, क्योंकि उन्होंने लेटर जो पढ़ा है वो कब पढ़ा है, क्रिसमस से एक दिन पहले पढ़ा है। द मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी।
तो जो मेट्रॉन है उसके सर पे भी एक हेड लगा हुआ है और उसने मुझे देखा तो मुझे देख के बहुत खुश हुई। ठीक है, मेट्रॉन बोलते हैं जो जो इंचार्ज होती है ना नर्सेस वगैरह की, जो ध्यान रखती है, लुक आफ्टर करती है पेशेंट्स को, वो होती है मेट्रॉन। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिंस पाई, और उन्होंने मतलब उस मेट्रॉन ने मुझे भी एक मिंस पाई ऑफर की। मिंस पाई एक केक की तरीके से होती है। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, मिसेज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी शी इज रादर कन्फ्यूज टूडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। तो कह रहे हैं कि वो मेरे साथ कॉरिडोर तक चलने लगी मेट्रॉन रास्ता बताने के लिए। उसने मुझे बताया कि मिसेज मैकफर्सन जो है वो हमारे साथ नहीं है अभी, क्योंकि आज जो है वो थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज है, मतलब थोड़ी अजीब सा बिहेव कर रही है वो। तो हम लोगों ने सोचा कि वो अच्छा अगर रेस्ट कर लेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स, सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो कह रहे हैं कि आप तो जानती हैं कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, नर्स बता रही है उनको, उनकी कोई फैमिली नहीं है, तो जब आपको वो देखेंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद बिगर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड द एंड लेफ्ट मी। तो कह रहे हैं कि वो मुझे कहाँ ले गई, कंजर्वेटरी में ले गई। कंजर्वेटरी होती है एक रूम होता है, ठीक है, जो शीशों से बना हुआ होता है पूरा। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर वो मुझे ले गई, वहाँ पर विकर चेयर्स थी, विकर चेयर्स होती हैं बुनी हुई जो चेयर्स होती हैं, ठीक है, और साइड में पूरे जो कोनों कोनों में क्या लगे हुए थे, पॉटेड प्लांट्स थे, प्लांट्स लगे हुए थे। और फिर वो मुझे वहाँ ले जा करके उन्होंने मुझे छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। मेट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं ना। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इन टू अ विस्पी बन। तो कह रहे हैं जो ओल्ड लेडी थी वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, यानी जो मिसेज मैकफर्सन है यानी कोनी जो है वो बैठी हुई हैं, उनके जो हाथ हैं वो फोल्ड हुए हुए हैं और उनकी गोद में रखे हुए हैं, और उनके बाल कैसे हैं बिल्कुल सिल्वर कलर के हैं, सिल्वर यानी वाइट कलर के बाल हैं सारे, और बाकायदा उनका एक साफ सुथरा सा जूड़ा बना हुआ है। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो बाहर जो है गार्डन की तरफ कुछ देख रही है बहुत ध्यान से। हेलो आई सैड, मैंने कहा, मतलब कह रहे हैं मैंने कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वो मुड़ी और उन्होंने मुझे देखा वैकेंटली। वैकेंटली मतलब जैसे अनजान को देखते हैं हम तो कोई सोचते रहते हैं ना, मतलब कौन है ये, इस तरह उन्होंने मुझे देखा। अब आधा ने उनसे क्या कहा, हैप्पी क्रिसमस कॉनी आई वेंट ऑन आई फाउंड दिस आई थिंक इट्स योर्स। तो ऑथर ने कहा कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी, फिर कह रहे हैं आई वेंट ऑन, मैं कहता गया, क्या कहते गए, उन्होंने कहा कि मुझे ये मिला है, आई थिंक ये आपका है, यानी वो जो टिन बॉक्स है उसको दे रहे हैं। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बोल रहा था उनकी आंखें मेरा चेहरा नहीं छोड़ रही थी, यानी उनकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टिन बॉक्स खोला और उनको दिया। दैट वॉज अ मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। कह रहे हैं इस वक्त क्या हुआ था, यानी जब मैंने उनको टिन बॉक्स दिया तो इस वक्त जो है उनकी आंखों के अंदर मुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे वो पहचान रही हैं इसको, ठीक है, और उनकी आंखें जो है खुशी से भर गई। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। कह रहे हैं मैंने सब कुछ बताया उनको, डेस्क के बारे में बताया, ये बताया कि मैंने इसको मुझे ये कैसे मिला, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ भी नहीं सुन रही थी। फॉर अ वाइल दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। कह रहे हैं कि ये वो मोमेंट था, यानी जब उन्होंने टिन बॉक्स उनके सामने निकाला तो ये वो मोमेंट था जब उनकी आंखें जो है वो खुशी से भर गई और ऐसा लगा कि वो उसको पहचान रही हैं। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उनको डेस्क के बारे में बताया कि वो मुझे कैसे मिली। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैंने सब कुछ बताया डेस्क के बारे में कि कैसे मुझे ये मिला, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद कुछ भी नहीं सुन रही। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। तो कह रहे हैं कुछ टाइम तक वो कुछ नहीं बोली, ठीक है, चुपचाप बैठे रही, लेकिन मुझे लेटर मैंने उनके हाथ में दिया था वो उसमें से प्यार से सहलाती रही। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। फिर कह रहे हैं कि अचानक से वो उससे बाहर आई, ठीक है, यानी अचानक से वो वहाँ पर पहुँच गई, यानी कहाँ पर पहुँच गई, कन्फ्यूज रहती है वो, भूल जाती है बातों को, तो अचानक से जो है वो वहाँ पर पहुँच गई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। ही हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी जो आंखें थी वो आंसू से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट शी सैड, उन्होंने कहा, मतलब ऑथर से वो कह रही हैं कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम घर आओगे क्रिसमस तक, अगले क्रिसमस तक प्यारे, उन्होंने मुझसे कहा, एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिन डियर सिट डाउन। तो कह रहे हैं फिर उन्होंने कहा और तुम आ गए, ठीक है, तुम्हारा आना मेरे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिसमस प्रेजेंट है, आओ मेरे पास बैठो जिम डियर, मेरे पास बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक, आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। तो अब कह रहे हैं ऑथर कह रहे हैं कि मैं उनके पास बैठ गया और उन्होंने मेरे गाल पर किस किया। कह रहे हैं कि फिर वो बताने लगी कि मैं तुम्हारा लेटर जो है रोज़ पढ़ती थी, सो ऑफन मतलब मैंने तुम्हारा लेटर कई बार पढ़ाया बल्कि रोज़ पढ़ाया।
आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं चाहती थी कि मुझे तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में दोबारा पड़े, यानी मेरे मैं तुम्हारी आवाज़ को दोबारा सुन सकूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू आर विद मी, और जब भी मैं तुम्हारा लेटर पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि तुम मेरे ही पास हो। एंड नाउ यू आर, और आखिर तुम मेरे पास आ गए। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। तो कहना है कि अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए हो, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे, ये लेटर अपनी आवाज़ में मुझे पढ़कर सुना दोगे? वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम डियर? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ। आईड लव दैट सो मच, एंड देन परहैप्स वील हैव सम टी, आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपैन ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपैन। तो कह रहे हैं कि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है और मैं उसको दोबारा सुनना चाहती हूँ, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कुछ चाय पियेंगे, है ना, मैं तुम्हारे लिए केक बनाऊँगी मार्जिपैन वाला, और जिसपे सच्चा तरफ मार्जिपैन लगाऊंगी केक पर, मुझे पता है तुम्हें मार्जिपैन बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये कहानी आपकी एंड हुई। इसके जो राइटर हैं वो है माइकल मॉरपिर्गो, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी कि वो जो है ऑथर को ही क्या समझ रही है, जिम मैकफर्सन समझ रही है। तो बेटा अभी यहाँ पर पीछे दो क्वेश्चंस देखे थे हमने, है ना, और एक क्वेश्चन ये है यहाँ पर। तो क्या है वाला, हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज, कह रहे हैं कि कॉनी मैकफर्सन क्या समझ रही है कि उनका विजिटर कौन है। तो अपने विजिटर को क्या समझ रही है, जिम मैकफर्सन समझ रही है। अब ये सेकंड वाला जो है कट कर दिए, थोड़ा लंबा आंसर है इसका, तो ये कट कर दीजिएगा। वैसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, अभी हमें ये वाले भी करने हैं। थर्ड पार्ट के क्वेश्चंस के आंसर्स हैं ये। यहाँ नंबरिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको ध्यान से देख लेगा ज़रा। देखिए सबसे पहले थर्ड का आंसर है, यानी कॉनी मैकफर्सन थॉट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट का आंसर है, द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू गिव द लेटर टू कॉनी मैकफर्सन, ठीक है। उसके बाद सेकंड का आंसर है, मिसेज मैकफर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड नाउ एंड शी वॉज इन अ नर्सिंग होम, यहाँ तक। तो ये आपके 3 आंसर्स और हो गए, यानी पहले हमने कितने कर लिए, 7 और 3, ये 10 आंसर्स हो गए आपके। बहुत छोटे छोटे आंसर्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप आराम से खुद भी ढूंढ सकते थे, लेकिन तब भी मैंने आपको बता दी। अब जो हम करेंगे ना, अब हम कर रहे हैं इसके टेक्स्ट बुक यानी तीनों पार्ट्स पर बेस्ड हुए। ये जो अभी हमने करे हैं, फर्स्ट पार्ट पर बेस्ड अलग क्वेश्चन के आंसर्स थे, सेकेंड पार्ट पर बेस्ड अलग थे, थर्ड पर अलग। अब जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन, वो हम करेंगे जो तीनों पार्ट पर बेस्ड है, यानी पूरी स्टोरी में से जिनके आंसर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। देखिए बेटा, इसके अंदर हमने तीनों पार्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, ठीक है ना। अब ये जो है वर्किंग विद द टेक्स्ट, ये तीनों पार्ट्स के बेस पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे, वरना अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो कॉम्प्रिहेंशन चेक थे, यानी जो पार्ट आपने पढ़ा उसके बेस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। अब ये जो है वर्किंग विद द टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन आंसर्स ही हैं ये भी, लेकिन ये तीनों पार्ट के बेस पर है। तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर मैं आपको उसके आंसर्स बता दूँ। फर्स्ट है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड कैप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, कह रहे हैं कि कॉनी ने जिम का लेटर कितने साल तक रखा, यानी कब तक रखा, कितने समय तक रखा, आपको अपने आंसर के रीजंस भी देने हैं। तो हमें ऐसा कोई उन्होंने एग्जैक्ट डेट टाइम नहीं बता रखा कि इतने साल रखा, या बस ये बताया कि मतलब कब डेट कब लेटर लिखा गया है, और उसके बाद उनकी एज बताई गई है। तो ये हम इसमें लिखेंगे कि काफ़ी साल तक रखा गया, बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक अ डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन, कह रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं कि डेस्क को क्यों बेचा गया होगा और कब बेचा गया होगा। तो क्यों बेचा गया होगा, जब उनके घर का सामान बिखरा होगा तो वो भी बिक गई होगी, है ना, और कब, जब उनके घर में आग लग गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, तब हुआ होगा ऐसा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाई डू जिम एंड हंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, डू यू एग्री, तो कह रहे हैं कि जिम और हंस ये क्यों सोचते हैं कि गेम और स्पोर्ट्स जो है वो अच्छा तरीका है किसी भी लड़ाई को सुलझाने का, कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का, क्या आप भी इस बात से एग्री हैं। फोर्थ है, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्राम ईच अदर, कह रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं कि जो सोल्जर्स थे दोनों आर्मीज के, यानी जर्मन्स भी और ब्रिटिशर्स भी, क्या वो दोनों एक दूसरे मतलब मिलते जुलते थे एक दूसरे से, या दोनों एक दूसरे से अलग अलग थे। फाइंड एविडेंस फ्राम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर, और आपको स्टोरी से जो है ना इसका एविडेंस देना है, यानी जहाँ पर ऐसा आपको लग रहा है वो लाइन्स आपको यहाँ पर लिख कर दिखानी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं, मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, कह रहे हैं कि वो बहुत अलग अलग तरीके बताइए जिसके थ्रू आप ये बता ये साबित कर सकते कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे और जर्मन सोल्जर्स थे वो एक दूसरे के दोस्त बन गए थे, और उनके अंदर बहुत सारी कॉमन चीज़ें थी क्रिसमस पर, ठीक है, यानी बहुत सारी बातें उनकी मिलती जुलती थी, क्या थी वो अभी हम आंसर्स में देखते हैं। सिक्स्थ है, व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कह रहे हैं कि कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था। तो यानी उसके हिसाब से, कॉनी के हिसाब से वो जो हैं वो कौन थे, जिन थे जो लेटर देने के लिए आया था, ठीक है ना, यानी ऑथर जो थे वो लगा कॉनी को कि ये जिम है,
तो ये उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट था। तो कहना है कि वो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों था, क्योंकि वो बहुत सालों से उनके आने का इंतजार कर रही थी और उसको लगा था कि आखिरकार वो अब आ गए। सेवन्थ है, डू यू थिंक द लिटिल सॉरी द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सूटेबल फॉर इट। कहने आपको क्या लगता है कि इस स्टोरी का टाइटल जो है, नाम जो है, वो सूटेबल है इसके हिसाब से जो कहानी इसके अंदर लिखी गई है और जो टाइटल है वो आपस में सूटेबल है एक दूसरे के? तो मेरे हिसाब से तो है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स? क्या आप कुछ और टाइटल्स के नाम बता सकते हैं? तो हाँ, वो भी बता भी सकते हैं और नाम वैसे ही ठीक भी है, ठीक है ना? क्या नाम होगा वो अभी हम देखते हैं। अब इसके आंसर्स देखिए ज़रा। अब देखिए, फर्स्ट का आंसर है कॉनी हैड कैप्ट जिम्स लास्ट लेटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वी अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द फैक्ट दैट शी टोल्ड द नरेटर हाउ शी यूज्ड टू रीड द लेटर एवरी डे एंड शी एंड कुड फील जिम्स प्रेजेंस अराउंड हर ऑलवेज। तो कह रहे हैं कि कॉनी ने जिम का लेटर, जिम का आखिरी खत अपने पास लंबे समय तक रखा हुआ है ना। ये हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। क्यों अंदाज़ा लगा रहे हैं, हम क्यों ऐसा समझ रहे हैं? क्योंकि ऐसा हमें पता चला है स्टोरी से। क्योंकि जब कॉनी जो है नरेटर से ही कहती है कि मैंने जो है तुम्हारा लेटर बहुत दिन तक, मतलब मैं रोज़ तुम्हारा लेटर निकाल कर पढ़ती थी और मुझे ऐसा फील होता था कि जब भी मैं लेटर पढ़ती हूँ कि तुम मेरे आसपास मुझे महसूस होते हो, ठीक है? तो इसका मतलब ये था, यानी बार बार वो पढ़ रही थी, इतनी एज उनकी हो गई थी और वो अब तक जो है उस लेटर को संभाल कर रखे हुए थी, यानी अभी भी उन्हें याद था वो, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये कि बहुत लंबे समय से रखा हुआ था। सेकेंड है, द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन कॉनीज हाउस हैड बर्न। तो कह रहे हैं डेस्क कब बेची गई होगी? जब उनका घर जल गया होगा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स गॉट बर्न एंड वर पुट अप फॉर सेल देयर आफ्टर। तो कह रहे हैं ज़्यादा चीज़ें जल गई थी तो इसलिए फिर उनको सेल कर दिया गया जलने के बाद, ठीक है ना? वैसे भी उन्होंने स्टोरी में भी ये बताया है कि उनकी जो डेस्क थी वो बहुत बुरी तरीके से जली हुई भी थी और प्लस उस पर पानी के भी निशान थे, यानी आग बुझाने के लिए पानी डाला होगा तो लकड़ी के ऊपर पानी और आग दोनों के निशान नजर आ रहे थे उनको। थर्ड आंसर देखिए, जिम एंड हंस थॉट दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एज नोबडी लेज डाउन देयर लाइव्स इन मैचेस। तो अभी कह रहे हैं जिम और हंस जो है वो उन्होंने सोचा कि गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वो अच्छा तरीका है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का, रिजॉल्व करने का। क्यों अच्छा तरीका है? क्योंकि गेम्स या स्पोर्ट्स के थ्रू किसी भी इंसान की जान नहीं जाती। दे मेंट दैट कंट्रीज कुड सॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट्स बाय प्लेइंग मैचेस रादर देन इंडल्जिंग इन वॉर्स। तो कह रहे हैं उनका मतलब ये है कि जो भी कंट्रीज हैं, अगर उनमें कुछ कन्फ्लिक्ट हैं, कुछ लड़ाइयाँ हैं, तो वो उसको गेम्स के थ्रू, मैचेस के थ्रू सॉल्व कर लें, बजाय इसके कि वो अपने आप को किस में इन्वॉल्व करें, वॉर्स में इन्वॉल्व करें, ठीक है? तो अगर आप इससे एग्री हैं तो आप यहाँ लिख दिएगा Yes, I am agree with this. ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा, वो पूछा था क्वेश्चन में उन्होंने कि उन दोनों के अंदर, मतलब जो दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स हैं उसमें उनमें क्या क्या चीज़ें थी जो मैच करती थी, यानी कहाँ कहाँ एक दूसरे से मिलते थे यानी मैच करते थे आदतों में। तो इसका आंसर देखिए, दे आर सोल्जर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज बट दे आर सिंपल मैन हु वांट टू लिव पीसफुली। कह रहे हैं वो दोनों जो सोल्जर्स थे, जर्मन्स और ब्रिटिशर्स, वो दोनों डिफरेंट कंट्रीज के थे लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत सिंपल मैन थे। क्यों सिंपल मैन थे? क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहते थे। Both the armies approved the fact that conflicts would have been resolved by playing a match proves that both the soldiers were like each other. तो कह रहे हैं कि दोनों ही आर्मीज ये सोचती थी कि हमें जो भी कन्फ्लिक्ट हों वो सुलझाना चाहिए किस तरह, गेम्स वगैरह के थ्रू बजाय लड़ाई के, है ना? तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वो दोनों सोल्जर्स, यानी दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स एक दूसरे की ही तरह थे, यानी एक दूसरे में बहुत मिलते थे, उनकी आदतें मिलती थी, वो एक ही पॉइंट को सपोर्ट करते थे। फिफ्थ क्वेश्चन था आपका, बोथ द आर्मीज केम टुगेदर एट नो मैन्स लैंड टू सेलिब्रेट द क्रिसमस ओवर शिनैप्स एंड सॉसेजेस। दे ऑल मेट एंड ग्रीटेड ईच अदर, एट टुगेदर, लाफ्ड टुगेदर एंड प्लेड अ फुटबॉल मैच विद ईच अदर। तो ये पूछ रहे थे क्रिसमस पर उन लोगों ने क्या किया साथ में जो कॉमन था, यानी कॉमन यानी सब ने मिलकर किया, दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स ने मिलकर किया। तो कह रहे हैं दोनों आर्मीज जो है सामने आई, मतलब सामने नहीं, आमने सामने आई, आकर के उन्होंने सेलिब्रेट किया क्रिसमस को, शिनैप्स पिया, सॉसेजेस खाए, ठीक है, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को ग्रीट किया, विश किया, ठीक है, साथ में खाया, हंसे साथ में, फुटबॉल मैच खेला, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा क्रिसमस सेलिब्रेट किया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था, है ना, और उसको दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों कहा गया? तो देखिए इसका आंसर, कॉनी यूज टू रीड दैट लेटर मल्टीपल टाइम्स इन अ डे टू फील हर हस्बैंड्स प्रेजेंस नियर बाय। हेंस व्हेन द विजिटर टोल्ड हर हाउ ही फाउंड द लेटर शी वाज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड फेल्ट इट वाज जिम हु हैड कम टू विजिट हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ये बता रहे हैं हमें कि कॉनी जो है वो अपना जो अपने हस्बैंड का लेटर था, लास्ट लेटर, उसको कई बार पढ़ चुकी थी
जब भी वो उसको पढ़ती थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनके हस्बैंड उनके आसपास हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि जब विजिटर यानी ऑथर उनसे मिलने के लिए आया आए और उन्होंने बताया कि मुझे किस किस तरीके से ये लेटर मिला, तो उनको ये लगा, वो बहुत खुश हो गई। उनको क्या लगा? उनको ये लगा कि ये जिम ही है, ठीक है, जो उनसे मिलने के लिए आया एक बहुत लंबे टाइम के बाद। तो इसलिए जो है उनको अपना ये जो लेटर था, सॉरी अपना ये जो क्रिसमस प्रेजेंट था, ये बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आगे देखिए, सो द कमिंग होम ऑफ जिम वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर। तो कह रहे हैं कि उनके लिए जो है उनके हस्बैंड का या जिम का वापस आना उनके लिए दुनिया का बेहतरीन क्रिसमस प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये 6 का कंप्लीट आंसर यहाँ तक है। उसके बाद 7th का क्वेश्चन था, आप ये वो पूछ रहे थे आपसे क्वेश्चन में कि क्या टाइटल आपको सूटेबल लगा इस चैप्टर का। तो अब देखिए, इन माई ओपिनियन द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज वेरी एप्ट एंड सूट्स इट्स परफेक्टली। कह रहे हैं कि मेरी ओपिनियन के हिसाब से देखा जाए तो टाइटल जो है स्टोरी का बिल्कुल सही है, एप्ट है, एप्ट यानी अप्रोप्रिएट है बिल्कुल, और इसको सूट भी कर रहा है परफेक्टली। फॉर द ओल्ड कॉनी नो अदर प्रेजेंट कुड हैव गिवन हर सच हैप्पीनेस एज द कमिंग ऑफ जिम हर हस्बैंड। कह रहे हैं कि ओल्ड कॉनी यानी बूढ़ी कॉनी के लिए कोई भी प्रेजेंट दुनिया का इतना अच्छा हो ही नहीं सकता था, इतनी खुशी उनको नहीं दे सकता था जितनी खुशी उनके हस्बैंड के आने ने उनको दी, ठीक है। कुछ अदर टाइटल्स क्या हो सकते हैं इसके, सम अदर टाइटल्स ऑफ द स्टोरी कुड बी वॉर एंड पीस, बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट एंड व्हेन अ क्रिसमस विश कम्स ट्रू। तो कुछ अदर टाइटल्स क्या हो सकते हैं स्टोरी के, वो ये हो सकते हैं वॉर एंड पीस, लड़ाई और शांति, बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट, ठीक है, ये एंड व्हेन अ क्रिसमस विश कम्स ट्रू, यानी जब कोई क्रिसमस विश आपकी सच्ची हो जाए। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए हैं। तो देखिए, आपके फर्स्ट पार्ट में 2 क्वेश्चंस थे, सेकंड पार्ट के अंदर 5 क्वेश्चंस थे, थर्ड पार्ट के अंदर 4 क्वेश्चंस थे, फोर्थ मैंने एक आपको कट करवा दिया ना, 3 हो गए, और फिर उसके बाद 7 क्वेश्चंस ये बने। सारे ही क्वेश्चन आंसर्स आप इजीली अब आपको कर लेने चाहिए क्योंकि चैप्टर मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है ना, तो आप कर लेंगे, आंसर्स मैंने बता भी दिए हैं। मेरा ख्याल है आपको मसला होना नहीं चाहिए, आप पहले आपको वर्ड्स विनिंग करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, पार्ट वाइज भी करने हैं, और फिर लास्ट में आपको ये वाले 7 क्वेश्चंस करने हैं। बुक में क्या काम करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। बुक में आपको जो भी वर्क करना है मैं बता रही हूँ। देखिए, वर्किंग विद लैंग्वेज के अंदर स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ लेते हैं एक बार। लुक एट दी सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट, द मैन सेड इट वॉज मेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी, दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। The italicized verbs are in the past tense. They tell us what happened in the past before now. तो कह रहे हैं कि जो italicized है, italicized है यानी ये जो आड़े आड़े वर्ड्स लिखे हैं थोड़े से मेन स्ट्रीम से हटकर जो लिखे हुए हैं, जैसे sad, ठीक है, ये was। तो अभी क्या बता रहे हैं हमें, कह रहे हैं कि जो italicized verbs हैं ये past tense बता रहे हैं, यानी हमें पता चल रहा है इसको पढ़ने के बाद कि ये जो बात की गई है ये past tense में बात की गई है, यानी वो वक्त गुजर चुका है, ठीक है, यानी अब से पहले जो हो चुका है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमारा ये है, रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस। कहने की पैसेज पढ़ना है आपको और इसके अंदर जो भी पास्ट टेंस आपको वर्ब्स पास्ट टेंस वाले जो वर्ब्स हैं उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो ज़रा पढ़ते हैं एक बार, वैसे मैंने कर रखा है लेकिन पढ़ भी लीजिए मेरे साथ साथ, देख लीजिए ज़रा। अ मैन गॉट ऑन द ट्रेन एंड सैट डाउन, अ मैन गॉट, ठीक है, यानी गेट होता है, गेट की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, गॉट, यानी पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। ऑन द ट्रेन एंड सैट डाउन, सैट डाउन यानी सिट डाउन, सिट डाउन की सिट की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, सैट, तो दोनों अंडरलाइन कर लेंगे हम। द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी, वॉज आ गया, ठीक है, ये भी पास को शो कर रहा है, एक्सेप्ट फॉर वन लेडी, शी टुक हर ग्लव्स ऑफ, टुक टुक के लिए टेक होता है ना फर्स्ट फॉर्म, तो टुक हो गई सेकंड फॉर्म। अ फ्यू आवर्स लेटर द पुलिस अरेस्टेड द मैन, अरेस्टेड हो जाएगा, अरेस्ट की सेकंड फॉर्म अरेस्टेड है। दे हेल्ड हिम फॉर 24 आवर्स, तो हेल्ड हो गया यहाँ पर, एंड देन फ्रीड हिम, और ये फ्रीड हो, ठीक है, समझ में आई इतनी बात। चलिए आगे देखिए, देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। आप यहाँ पर देखिए, जब भी आपके एग्जाम में टेंसेस के थ्रू बेस पर कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा आपको इस फॉर्म में आएंगे वो, कि आपको करेक्ट फॉर्म फिल करनी होगी, यानी आपको हिंट दे देंगे उसके हिसाब से आप सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं उसकी, अब आपकी फॉर्म के ऐसे एस लगा सकते हैं, आईएनजी लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म भी आ सकती है या थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में वो बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जरा, इन्होंने खुद ही हमसे क्या कह दिया कि करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। माय लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नॉटी, अब देखिए मेरी छोटी बहन बहुत नॉटी है, शरारती है, यानी ये तो प्रेजेंट हो गया। व्हेन शी केम बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, अब मैंने यहाँ पर केम लिखा है, केम क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे की बात चल रही है, यस्टरडे मीन्स यानी गुजरा हुआ दिन, यानी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। जब वह स्कूल से वापस आई कल, या हाँ वापस आई कल यानी गुजरे हुए कल, शी हैड टॉर्न हर ड्रेस, उसने अपने कपड़े फाड़ लिए थे, ठीक है, पर मतलब फट रहे थे उसके कपड़े, ये मतलब है इसका। वी आस्क्ड हर
हमने उससे पूछा हाउ इट हैड हैपन्ड, ये कैसे हुआ था। शी सैड, उसने कहा शी हैड क्वारल्ड विद अ बॉय। अब देखिए यहाँ पर दो हैव भी है और क्वारल भी है, लेकिन हमें पास्ट फॉर्म में लिखना पड़ा है क्योंकि ये कल की बात है, यानी गुजरे हुए कल की बात है। शी हैड क्वारल्ड विद अ बॉय, तो उसने बताया कि उसकी लड़ाई हुई थी एक लड़के से। शी हैड बीटन हिम इन अ रेस, उसने उसे एक रेस में हरा दिया था। एंड ही हैड ट्राइड टू पुश हर, और उसने उसको धक्का देने की कोशिश की थी। शी हैड टोल्ड द टीचर, उसने टीचर को बता दिया था। एंड सो ही हैड चेज्ड हर, इसलिए उसने उसका मतलब जैसे पीछा किया या फिर ऐसे लड़ाई वगैरह की, इस तरीके से पीछा कर, चेज बोलते हैं उसे पीछा करने को। एंड शी हैड फॉलन डाउन, और इसलिए वो नीचे गिर गई थी। एंड हैड टॉर्न हर ड्रेस, इसलिए उसके कपड़े फट गए, ड्रेस फट गई। ठीक है, समझ आया आपको किस तरीके से करना है। अब यानी हमारे पास, अब देखिए दो चीज़ें समझ आई होंगी आपको, कि एक जगह तो हमने यूज़ की है सेकेंड फॉर्म, ठीक है, और एक जगह हमने यूज़ किया है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। समझ आई बेटा? तो सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। अब आपकी बुक के हिसाब से उन्होंने क्या कहा है, जो ये वाला पोर्शन है उसको उन्होंने बोला है सिंपल पास्ट, ठीक है, यानी पास्ट कहा है इसको। और जो ये वाला पोर्शन है हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाला, इसको उन्होंने बोला है अर्लियर पास्ट। अर्लियर पास्ट, अर्लियर पास्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि काम पहले हुआ है ना, मतलब एक तो पास्ट है यानी काम पहले हो चुका है, लेकिन अर्लियर पास्ट नहीं, उससे भी पहले कोई काम हुआ है। आप देखिए ज़रा, फर्स्ट है यहाँ पर ए, इसमें से आपको यहाँ पर ना फाइंड आउट करना है कौन से पास्ट के वर्ड्स हैं और कौन से अर्लियर पास्ट के हैं। अंडरलाइन द वर्ब्स एंड अरेंज देम इन टू कॉलम्स, पास्ट एंड अर्लियर पास्ट। माई फ्रेंड्स सेट आउट टू सी द केव्स इन द नेक्स्ट टाउन, बट आई स्टेड एट होम बिकॉज आई हैड सीन देम ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखते हैं माय फ्रेंड्स सेट आउट, अब देखिए सेट आउट आ गया, ठीक है, सेकंड फॉर्म है ये। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ, स्टेड, ये भी पास्ट है। आगे हैड सीन, तो हैड सीन क्या हो गया, अर्लियर पास्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है व्हेन दे अराइव्ड एट द स्टेशन देयर ट्रेन हैड लेफ्ट, दे केम बैक होम बट बाय दैट टाइम आई हैड गोन आउट टू सी अ मूवी। अब यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में अराइव्ड है, सेकंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहे हैं लेफ्ट, हैड लेफ्ट, हैड लेफ्ट किस में आ जाएगा, अर्लियर पास्ट में आ जाएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। केम किस में आएगा, सिंपल पास्ट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है बाय द टाइम आई हैड गॉन, हैड गॉन किस में आ जाएगा, अर्लियर पास्ट में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह करना है, ये फिल करना है आपको इसके अंदर की, बहुत ध्यान से फिल करिएगा, गड़बड़ मत करिएगा, ऊपर नीचे मत कर दीजिएगा इसको। सी है सो दे सेट आउटसाइड एंड एट द लंच आई हैड पैक्ड फॉर देम, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको। देखिए सेट आ गया हमारा, ठीक है, एट आ गया हमारा। उसके अलावा हैड पैक्ड किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपको अर्लियर पास्ट, ठीक है। डी है बाय द टाइम आई रिटर्न दे हैड फॉलन एसलीप, बाय द टाइम आई रिटर्न, रिटर्न किस में आ जाएगा, सिंपल पास्ट में, हैड फॉलन किस में आ जाएगा, अर्लियर पास्ट, ठीक है। तो यानी मैंने आपकी फिलअप्स भी करवा दिए हैं और साथ में मैंने आपको ये बॉक्स भी फिल हो गया अब आपका, तो जितना भी वर्क था जो मुझे रेलेवेंट लगा आपके लिए वो मैंने आपको करवा दिया। क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं, ये दोनों काम, ये फिल करने वाला काम है और अंडरलाइन वाला काम है, वो आपको बुक में ही करना है। और ध्यान से कीजिएगा, और बुक पर कोई पेन ना चलाए, पेंसिल ही यूज़ करें, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।